गाड़ी मैं ले आता हूँ यार, आप उधर पार्किंग खाली होगी। अरे भाई बाउंसर भाई भी साथ में, साथ में दाढ़ी भी कटवानी होगी। यार मैं भी एक अपना चैनल बना लूँ, बिल बनेगा तेरे बाद। भैया एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है इस चैनल पर। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं जा रहा हूँ भाई सचिन भैया के पास। ये मेरी दूसरी मुलाकात है उनसे, लेकिन पहली जो हमारी मीटिंग थी हमने दोनों ने शूट नहीं करा था उस टाइम, थोड़े टाइम के लिए आए थे भैया। तो मैं आज जा रहा हूँ उनके वहाँ पे, उनकी शॉप पे, पिज्जा शॉप पे, बाकी उनसे मुलाकात करेंगे। अभी मेरी बस है, चल क्यों नहीं रहा, कोई साइन चल रहा? तो भैया हाँ सही स्टॉप पाए हम, 103 नंबर अभी हमने देख लिया इसमें बोर्ड में, क्योंकि अभी चल नहीं रही थी स्क्रीन, अभी स्क्रीन है चलने लगी। तो यहाँ से हमें लगेगा आधा घंटा। जहाँ भैया की लोकेशन है एस बॉन जैसे भी आप प्रोनाउंस करते हो, मैंने बस वाले को बोला मेरे को जाना है एस ब्रॉन मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा था कहाँ जाना है, क्योंकि बसें यहाँ पे वो वाली नहीं थी, लीप कार्ड वाली की जो टैप कर दो, मतलब उसको ड्राइवर को बताना पड़ रहा था मुझे, तो उसको बताया मैंने, तो मेरे मुँह से एस ब्रॉन निकल गया। ठीक है, तो इस बात का मजाक ना उड़ाएं कृपया। तो अभी जा रहे हैं उनकी शॉप की तरफ भैया की, अभी देखते हैं, पता नहीं भैया होंगे भी नहीं होंगे, क्योंकि मैंने उनको टाइम के बारे में कुछ बताया नहीं था कि कितने बजे मैं पहुँचने वाला हूँ। अच्छा ही लगा, पता बीच में जब मैं आ रहा था मुझे लग रहा था खेत वेत में आ रहा हूँ मैं, और अब एक सडनली एकदम से यहाँ पे रौनक सी आ गई है। चांस को ना मेरे ऊपर भरोसा नहीं था जब मैं मैप देखता ना गूगल मैप, क्योंकि मैं इसको दो तीन बार इधर उधर ले जा चुका हूँ उल्टी सीधी जगह, मतलब डबलिन में जितना देखो ना उतना सुंदर सुंदर लाके बचे पड़े हैं अभी। ये देखो मार्केट चल रही है हमारे बराबर में। बार बार अपने भैया कह रहे एक पीस में, मैं से पूछ रहा भाई कितने में काट दो, मैं कह रहा एक पीस में काट देते हैं भाई ना, और साथ में दाढ़ी भी कटवानी होगी गाल कर एक्स्ट्रा। मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाली थी कि ना कोई भी पिज्जा मैक्स खाने के लिए आएगा तो उसको भाई फ्री में पिज्जा दिया जाएगा, कोई भी यूट्यूबर होएगा। तो हिमांशु भाई ने सबसे पहले भाई उसी दिन ब्रेक मार दिया, मैं भाई अभी तो खुला भी नहीं, मैंने सोचा क्यों ना आ जाए फ्री का पिज्जा खाने। तो पहली बार हमारी मीटिंग ऐसी हुई थी भैया रात में आए थे, मतलब उस टाइम भैया ड्राइव करते थे, मेरे का फरवरी या जनवरी की बात है। हाँ, तो सामने राम प्यारी खड़ी हुई है। मैं सोच रहा हूँ यार मैं भी एक अपना चैनल बना लूँ भाई ना। अरे अरे सर सर आप बनवाओ सर, हमारी दुकान का चाहिए। और मेरे हाथ में कैमरा आने से और ज्यादा बढ़े चल रहा है भैया, गाने मेरे गोप्रो की वैल्यू बढ़ गई, अब मैं डाल दूंगा तो उस पे मार्केट में गाड़ी बढ़ गई ना, गाड़ी मैं ले आता हूँ आप ले लो। और जो भाई पीछे बैठे हुए हैं ना वो अपने बाउंसर है, हिमांशु भाई अपने साथ में लेके आया भाई, सिर्फ स्माइल करने का काम करता है, हिमांशु जोक मारता है वो पीछे हंसता है भाई। यार आप उधर पार्किंग खाली हो गया, देख क्या पागल बन रहा है। तो भैया ने मुझे इतनी दूर से सिर्फ गाड़ी में घुमाने बुलाया है, मैं कहूं हिमांशु यार नाराज ना हो जाए, कल का मैसेज आ रहा है भाई मेरे को घुमा दो गाड़ी, हिमांशु मेरे को घुमा देते हैं और क्या। भाई भैया ने हमें अपनी गाड़ी के थोड़ा चड्डू खिला दिए। और हम कहाँ से लेके आए मैं दिखाता हूँ आपको ना, देखो वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी, ठीक है, वहाँ से घुमा के हम गए रहे हैं भाई। और ये भाई बाउंसर भाई भी साथ में खड़े हुए हैं, हमने पीछे से यू टर्न मार के ना फिर इधर से घूम के ना उधर गए और इधर से घुमा के हमने यहाँ पे गाड़ी लगा दी। भाई को एक पिज्जा खिलाएंगे भाई जबरदस्त, अपने हाथ से नहीं सूखे के हाथ से बना हुआ, शेफ है भाई प्रॉपर, वैसे मजाक कर रहा हूँ, ठीक ठाक ही बनाएगा, तारीफ तो करनी पड़ती है भाई की ना। क्या कह रहे असली में खाना खा के आए थे क्या? हाँ सही में असली में खाना, और सुखी भाई पिज्जा निकाल दे खाना खा के आए थे। अरे भाई हमारा हमारा पिज्जा बच रहा है, निकाल दो कह रहे खा के आया है। अब तो सुखी एक और देगा बना के भाई, सोच रहा कि फ्री में दे दिया अभी थोड़े पैसे भी। वो कैमरे के पीछे वाली बात है।
को डर लग रहा है कहीं मैं कुछ गलत बोल दूं भैया मुझे मारने लगे ये किडनैप कर लेंगे। कैसा कैसा लगा? बढ़िया। सच में आप उधर मुंह कर लो जो बताएगा। सही में बहुत बढ़िया यार। मैं बहुत नहीं 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 भैया मान के सही में सही में कैसा है भाई? बहुत बढ़िया भैया, मतलब मैंने नहीं खाया जबरदस्ती लेके आता है भाई, बंदा स्पेशल घर पे आता है पकड़ के लेके आता है, उंगली लेके जाता है कि भाई आ जा पिज्जा खा ले या फिर सब्जी खा ले, इसको पकड़ के लेके आओ भाई, बस की किराया दिया टिकट दिया एक दिन पहले ट्रांसफर करा पैसे। अब भैया बिजी इतने रहते हैं, जब भी भैया का फोन आता कहाँ है, या तो मैं शिफ्ट से जा चुका होता था या फिर शिफ्ट को होता था, लेकिन भैया फिर बाहर। ये तो भाई बहाने हो गए, ये तो इनका क्या भाई ना। मैंने पांचवी का भी खाया, अगर ज्यादा व्यू ना आए तो ठीक है। यहाँ पे डोमिनोज का भी खा, डोमिनोज का यहाँ पे वेज के लिए भाई बेकार है एक नंबर, लेकिन अपाचे के बाद ये पिज्जा भाई, ये वीडियो में सुखी भाई को जरूर दिखाऊंगा जिन्होंने पिज्जा बनाया सही में। बाकी ये तो पहना पाचेगा, लेकिन आज से भैया तो मुझे लगता है ये पिज्जा देखो बेस्ट होगा। सही भाई बहुत खाता है। हंस तो नहीं रहा है? नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है सही भाई। पिज्जा अच्छा है, बोल के देखो हाफ निपटा दिया और बिल्कुल 30 सेकंड नहीं लगे। थोड़ा और थोड़ी देर ना पहले ये बोल रहे थे कि भाई मैं तो खा के आया हूं, पापा जी के यहां पे थोड़ा उधर नहीं नहीं अभी चाय नहीं पियेंगे अभी, नहीं तो वाला साहब है भाई का तो खाना बनता है क्या? खा के आए हैं क्या आप? आपकी इज्जत भी तो रखने दी आपने, पूछा कुछ खा लो यार। यार वो तो ठीक है, लेकिन आपकी टीम में हमारी टीम में, प्यार है वो सब। You're very welcome, my friend. हम दोनों डील कर ली थी, पहले मैं आपका अच्छा करूंगा भैया मेरा, ठीक है? तो ये चल रहा था। चलो भैया इजाजत दो फिर, चलो भाई चलते हैं। आप भी अपना ध्यान रखिए भाई, व्यूअर्स थैंक्स फॉर वाचिंग, और भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब करो और भैया का भी। थैंक यू, मिलने जाओ भाई, 4 यूरो इसके भी लगे तो हाथ तो मिला लो। ओके भाई आप मिलते हैं, आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट होगा। थैंक यू भैया, टोटल बन गया 80,000 यूरो। भैया ने खातिरदारी कर दी बहुत ज्यादा, पेट में जगह नहीं है इस टाइम। भैया ये वीडियो देख रहे होंगे तो जगह नहीं है इस टाइम पेट में बिल्कुल भी, बट हमारी बस्ती अब 6:45 की, तो भाई मे भी हो सकता है हमारी ये बस छूट जाए, क्योंकि अभी हमें स्टॉप नहीं पता किधर है, इधर है राइट में या लेफ्ट में। तो भाई बस मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर हम थोड़ा यहाँ पे इधर उधर हांडेंगे थोड़ा सा। बाकी सचिन भैया मजे खड़े कर दिए आपने सही में, मतलब घर से भी खाना खा के आए थे थोड़ा बहुत, लेकिन जो सुखी भैया ने पिज़्ज़ा बनाया ना, ओए होए होए मज़ा आ गया कसम से।